आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यदि वर्गमूल 2 का मान 1.414, वर्गमूल 3 का मान 1.732 तथा वर्गमूल 5 का मान 2.23 तथा वर्गमूल 6 का मान 2.449 है, तो 2 प्लस वर्गमूल 3 बटा 2 माइनस वर्गमूल 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये भी कर सकते हैं कि सबके मान डाल दें वर्गमूल 3 के हर बार, और उसको फिर भाग वाग गुणा करके जोड़ के सब लिख दें, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको हल करने के लिए, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब ए बी और सी को अलग अलग करके अपन हल करते हैं। तो अपना ए तो क्या था, अपना ए था 2 प्लस वर्गमूल 3 बट्टा 2 माइनस वर्गमूल 3, तो इसका हर का परिमेयकरण कर देता हूँ मैं, तो 2 प्लस वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो ऊपर गुणा करने पर हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 वर्गमूल 3 बट्टा ही हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो 2 की घात 2 माइनस वर्गमूल 3 की घात 2, तो हो जाएगा मेरे पास 7 प्लस 4 वर्गमूल 3। तो ए तो आ गया मेरे पास हल करने पे 7 प्लस 4 वर्गमूल 3। ऐसे में बी निकालता हूँ, बी था मेरे पास 2 माइनस वर्गमूल 3 बट्टा 2 प्लस वर्गमूल 3, तो इसके भी हर का परिमेयकरण कर देता हूँ, तो 2 माइनस वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 वर्गमूल 3 बट्टा इधर भी 2 की घात 2 माइनस वर्गमूल 3 की घात 2, तो आ जाएगा 7 माइनस 4 वर्गमूल 3, ठीक है। और ऐसे में अब सी निकालता हूँ, सी था मेरा वर्गमूल 3 माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 3 प्लस 1, तो इसके हर का परिमेयकरण करूंगा, तो वर्गमूल 3 माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 3 माइनस 1 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस 1 माइनस 2 वर्गमूल 3, और उधर भी मैं ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा दूंगा, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 हो जाएगा, तो वर्गमूल 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 बट्टा 2, तो यहाँ से मेरे पास सी का मान आ जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। तो हमसे अब पूछा था प्रश्न में कि ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है, ठीक है, जिसको हमने ए माना जिसको बी माना उसको सी माना, तीनों को जोड़ के उसका मान बताना था। तो ए तो था हमारा 7 प्लस 4 वर्गमूल 3, बी था हमारे पास 7 माइनस 4 वर्गमूल 3, सी था हमारे पास 2 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। तो 7 14 16 हो गया, ये 4 वर्गमूल 3 से 4 वर्गमूल 3 कट गया यहाँ पे, माइनस वर्गमूल 3 का मान था 1.732, तो इधर से मेरे पास इसका मान आ गया 14.268। तो हमारे पास जो प्रश्न हमसे पूरा समीकरण देखा था उसका मान आ गया 14.268, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।